कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। सोशल मीडिया पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ अभियान चलाने वाले करगिल शहीद की बेटी को दुष्कर्म की धमकी। रामजस कॉलेज में हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर को सोशल मीडिया पर ही जान से मारने और दुष्कर्म की धमकियां मिल रही है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के ही लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने वाली गुरमेहर ने फेसबुक पर अभाविप की कड़ी आलोचना की है। ये वीडियो कैंपेन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरमेहर का कहना है कि उनके अभियान से जो लोग नाराज है वे उनको और उनकी सहेलियों को दुष्कर्म की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सब डराने वाला है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को रामजस कॉलेज के सेमिनार में जेएनयू के छात्र उमर खालिद को वक्ता के तौर पर बुलाए जाने के विरोध में विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। विरोध हिंसक होने से करीब 20 छात्र घायल हो गए थे। उमर राजद्रोह मामले में आरोपी है। गुरमेहर ने 140 शब्दों के फेसबुक पोस्ट में पूरे मामले का जिक्र किया था। एक लंबे पोस्ट के साथ उन्होंने तख्ती पकड़े हुए अपनी फोटो प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर लगाई थी। तख्ती पर लिखा है कि मैं जीयू की छात्रा हूं, मैं तंग सोच की राजनीतिक विचारधारा को अपने कैंपस और अधिकारों का अपहरण नहीं करने दूंगी। देश का हर विद्यार्थी मेरे साथ है। देश भर में हजारों छात्रों ने गुरमेहर को फॉलो करते हुए अपनी प्रोफाइल तस्वीर को उनके ही अंदाज में बदला है। ज्ञात रहे कि लुधियाना की रहने वाली गुरमेहर के पिता मनदीप सिंह सेना में कप्तान थे और 1999 में करगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम बने महर्षला अली। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाला हर व्यक्ति राष्ट्र विरोधी। अमित शाह बोले उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो गुंडे जेल में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस संवाददाताओं के रात्रि भोज में शामिल होने से इनकार। फरीदाबाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 गिरफ्तार।